नाउ वी डिस्कस द सीक्वेंस ऑफ द प्ले बिकॉज जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है साल ब साल महीना बा महीना तो उसके खेल के अंदर पुख्तगी आती जाती है वक्त के साथ साथ तो हमें देखना है कि असल में खेल के अंदर क्या सीक्वेंस जो है वो चल रहा होता है फ्रॉम द एज ऑफ टू ईर्स अ चाइल्ड इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली स्किलफुल इन एवरी फॉर्म ऑफ मोटर एक्टिविटी एंड मे बी एबल टू राइडाइकल फॉर यूजिंग दैडल्स एंड स्टीरिट राउंड कॉर्नर वाई वी आर टॉकिंग अबाउट आफ्टर टू ईय बिकॉज दीज ईयर्स आर रिलेटेड टू आवर अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन इससे पहले भी बच्चा बहुत कुछ खेल सकता है ऐसा नहीं है क्योंकि बच्चा तो पैदाइश के फ़ौर बाद आपने देखा होगा सबसे पहले अपने हाथ पाँव हिलाना शुरू करता है और फिर जब वो तीन चार महीने का हो जाता है तो वो चीज़ को देखता है अट्रैक्ट होता है अभी उसको हाथ में पकड़ नहीं सकता कभी हाथ इधर ले जाएगा कभी इधर ले जाएगा जब वो छः महीने का होता है तो उसकी ब्रेन मसल कोऑर्डिनेशन बेहतर होती है और वो किसी चीज़ को पकड़ सकता है या उसको ग्रिप में ले सकता है जैसे जैसे वो आठ सात महीने में आता है वो उसको अपनी मर्जी से मूव कर सकता है पुल कर सकता है पुश कर सकता है और फिर इसी तरह जब वो दो साल में आता है तो अब वो अपने पाओं की हरकत पे भी कंट्रोल रखता है वो साइकिल चला सकता है और बहुत सी जैसे जंपिंग है जैसे रनिंग है ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो ये कर सकता है इस दफ़ा वो आप उसको बॉल भी देंगे तो बॉल को हिट करेगा फिर उसको जाके पकड़ेगा झुकेगा इंडिपेंडेंटली खड़ा हो जाएगा ये सब चीज़ें वो दो से तीन साल दो साल में शुरू हो जाती हैं और तीन साल में आके मजीद पुख्ता हो जाती हैं उसके बाद ऐसा होता है कि बच्चे आ, अपनी जाति खेल के अंदर बड़े इमर्स हो जाते हैं बड़े मसरूफ़ हो जाते हैं कोई खेल कोई खिलौना कोई जो भी चीज़ उनको लगे कि इट्स अ टॉय और इट कैन बी यूज एज अ टॉय तो वो उसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं लेकिन आपने देखा होगा इसको हम पैरेलल प्ले कहते हैं कि कोई एक बच्चा खेल रहा है तो उसके करीब ही दूसरा बच्चा खेल रहा होगा पहले को दूसरे से कोई गरज नहीं कि वो क्या कर रहा है वो अपना अपना खेल रहे हैं अपनी अपनी चीज में मगन है और अपना ही उनको पता है कि अच्छा वो क्या इमेजिन कर रहे हैं लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो फिर वो ग्रुप में खेलना शुरू करते हैं अभी जब हम ये देख रहे हैं कि तीन से चार साल में बच्चा कुछ चीज़ें इमेजिन करना शुरू करता है कुछ छोटी छोटी स्टोरीज डेवलप करने की कोशिश करता है और कभी तो उसको लगता है जैसे वो हकीकत की आंख से चीज़ों को देख रहा है तो हम ये देखते हैं कि चार से पाँच साल में हमारा बच्चा जो है वो इंक्रीजिंगली इमेजिनेटिव हो जाता है छोटी छोटी स्टोरीज भी घटता है और फिर उसके साथ प्लेफुली उसको इमिटेट करने की कोशिश करता है जंपिंग कर रहा होगा कोई राइम्स पढ़ रहा होगा कोई पोइम्स जैसे नो मोर मंकीजिंग ऑन द बैट तो उसके साथ साथ वो जम्प कर रहा है फिर वो समझता है कि अब गिरना भी ज़रूरी है तो वो गिर भी रहा है ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब उसके अंदर उसके इमेजिनेशन को स्ट्रांग करती चली जा रही हैं हम देखते हैं कि जब हमारा बच्चा चार से पाँच साल की उम्र में है तो उसकी विकैबलरी और लैंग्वेज भी बहुत हद तक इम्प्रूव हो चुकी है और वो अब सेंटेंसेस बोलता है अपना माफी और ज़मीर मुकम्मल तौर पर बयान कर सकता है पूरी की पूरी स्टोरी आपको सुना सकता है उसकी विकेबलरी में थाउजेंड्स मोर देन थाउजेंड्स वर्ड्स हैं इस वक्त कई दफ़ा आप कोई लफ्ज़ बोल देते हैं और आप भूल जाते हैं लेकिन बच्चे वही लफ्ज़ कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़रूर दोहराते हैं और वो उनकी जो रिकॉर्डिंग मशीन है वो बड़ी तेज़ है तो वो जब वो दोहराते हैं तो पूरी चीज़ को उसी तरह उसी कॉन्टेक्स्ट में बयान कर सकते हैं हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हमारे बच्चे उनकी ड्राइंग स्किल्स भी इम्प्रूव हैं जैसे हमने अर्ज़ किया कि जब बच्चा चार साल से आगे बढ़ता है तो उसकी मसल ब्रेन कोऑर्डिनेशन बेहतर बनती है अब वो पेंसिल को ज्यादा मजबूती से पकड़ सकता है लिख सकता है ड्रॉ कर सकता है छोटे छोटे रोल प्ले कर सकता है इसको हम कहते हैं इमिटेटिव प्ले अब इमिटेटिव प्ले में वो ये देखता है जो कुछ वो अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व कर रहा है वैदर इट्स अ मॉम इट्स अ डैड अम्मा बाबा नाना ना, नानी जो कुछ भी कैरेक्टर्स उसके इर्द गिर्द हैं या किसी हेल्पर का कैरेक्टर है स्कूल टीचर का कैरेक्टर है उनको वो इमिटेट और रेप्लीकेट कर लेता है और मज़े की बात है जो फीचर उसको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है उसको वो ज़्यादा यानी रेप्लीकेट करता है अच्छा अब देखिए इस उम्र में क्योंकि उनकी कोऑर्डिनेशन बेहतर हो गई है आपने देखा होगा कि बच्चे कटिंग भी कर सकते हैं सीज़र के ज़रिए सीज़र पे भी उनको कंट्रोल हो जाता है मटा लेते हैं लिख लेते हैं पेपर से चीज़ें बना लेते हैं और खेल कूद में इस, इस वक्त पे उनको अपने पियर्स की तरफ बड़ी रगबत होती है मिलके खेलना है आओ मिलके खेलें वो बैठे हुए हैं जैसे ही दो चार बच्चे नजर आते हैं तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं आओ जी हम ये खेल खेलें आओ हम हम जानवर बन रहे हैं फलाना आओ हम जंपिंग कर रहे हैं उछल कूद रहे हैं तो वो जो एक पीयर रिलेशनशिप और पीयर एसोसिएशन है वो इस उम्र में बनती है फिर हम देखते हैं कि जब बच्चा हमारा चार से पाँच साल से या छठे साल में आ रहा है तो इस वक्त वो चीजों को खुद से कंस्ट्रक्ट भी कर सकता है जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और जैसे ग्लूइंग है और स्टिकिंग है ये सारी चीजें वो करने के काबिल हो जाते है